हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है नाउ नंबर्स। तो देखिए, इंग्लिश में नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर होते हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बेसिक इसका बताते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनते हैं, एज वी नो हम जानते हैं कि देर आर 26 लेटर्स इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, इन विच 5 आर वोवेल्स, जिसमें कि 5 स्वर हैं ए ई आई ओ यू, एंड रिमेनिंग ऑल से सभी 21 आर कॉन्सोनेंट। वो सब क्या है, वो सब व्यंजन है, ये सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है, 5 वोवेल्स हैं। लेकिन यदि हम अपनी हिंदी वर्णमाला को देखें तो हिंदी वर्णमाला में पहली दो लाइन ए से लेके और ए तक, पहली दो लाइनें जो पंक्तियां हैं वो वोवेल्स हैं, और कैक है गै से लेके लास्ट तक सारे जितने भी हैं वो व्यंजन है। लेकिन इन 26 लेटर्स में केवल 5 वोवेल्स हैं। इनके आधार पर ही सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, इनके आधार पर ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर से प्लुरल बनते कैसे हैं। या तो एस का प्रयोग करते हैं हम, किसी भी शब्द में एस जोड़ देते हैं, और या फिर ई एस जोड़ते हैं। लेकिन क्या इसका भी कोई नियम है कि एस कहां जोड़े या ई एस कहां जोड़े? यस, इसका भी नियम है। तो याद रखिए, जिन शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट होता है उनके बहुवचन बनाते समय उनमें एस जुड़ेगा। जैसे बुक है, इसमें के आया है कॉन्सोनेंट, तो यहां पर एस लगा दिया। चेयर में भी कॉन्सोनेंट है, और जिन शब्दों के अंत में वोविल ई आता है, 5 वोविल्स हैं ए ई आई ओ यू, यदि उनमें से किसी भी शब्द के अंत में ई वोविल आया होगा और उसका हमें प्लुरल यूज करना है तो उसमें भी एस लगेगा, क्योंकि ई तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो याद रखिए, नियम यह बन गया कि जिन शब्दों के अंत में कोई कॉन्सोनेंट होता है या वो भी ई होता है तो उनके प्लुरल बनाते समय उनमें खाली एस जोड़ते हैं। अब बात आती है ई एस की, नंबर दो, ई एस कहां जुड़ता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये याद रखिए बस, कि पूरी अंग्रेजी में जिन शब्दों के अंत में सी एच होगा, एस एच होगा, एस होगा, डबल एस होगा, एक्स होगा, ओ होगा, इन सबके बहुवचन बनाते समय सभी में ई एस लगेगा। जैसे कैच का कैचिज बन गया, बुश होती है झाड़ी, बुशिज बन गया, गैस था गैसिज बन गया, क्लास का क्लासिज बन गया, बॉक्स का बॉक्सिज बन गया, और इसी तरह से मैंगो का मैंगोस बन गया। ये रूल क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद में वाई होता है। अब जिनके बाद में वाई होता है उनके प्लुरल कैसे बनाते हैं? तो याद रखिए, जिन शब्दों के अंत में वाई होता है तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं। वाई को आई में बदलेंगे और ई एस लगा देंगे। जैसे ये वर्ड है स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी, तो हमने इस वाई को आई में बदलकर ई एस लगा दिया। ऐसे डिफिकल्टी का डिफिकल्टीज, सिटी का सिटीज, कलेमिटी का कलेमिटीज बनता चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यदि इस वाई से पहले कोई वोविल आ जाए, ए ई आई ओ यू में से पांचों में से कोई एक आ जाए, जैसे कि ये वर्ड है, ये स्टोरी एस टी ओ आर वाई, स्टोरी कहानी, और ये एस टी ओ आर ई वाई है, स्टोरी मैंने मकान की मंजिल होता है। तो हमने देखा कि यहां वाई से पहले ई आ रहा है, भाई जहां वाई से पहले कोई वोविल आ जाएगा ना, वहां पर हम ई एस वाई को आई में नहीं बदलेंगे, वाई को वाई रहने देंगे और उसके बाद एस लगा देंगे, एक्सेट्रा। ऐसे हम इन शब्दों के सिंगुलर से प्लुरल बना दें। उसके बाद चौथे रूल पे चलते हैं। चौथा रूल होता है कि जिन शब्दों के बाद में एफ हो या एफ ई हो तो उनके बहुवचन कैसे बनाएं? तो याद रखिए, जिन शब्दों के बाद में एफ होगा, एफ ई होगा, तो एफ या एफ ई को वी में बदलो पहले और उसके बाद ई एस लगा दो। कैसे? जैसे थीप है, थीप मैंने चोर, तो हमने इस एफ को वी में बदल दिया और इसके बाद ई एस लगा दिया, थीप का बहुवचन थीव्स बन गया।
ऐसे ही लाइफ है, लाइफ का बहुवचन एफ ई को वी में बदल दिया, लाइव्स बन गया। कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वहां थीव्स आना है, द पुलिस कोर्ट मैनी थीव्स लिख देगा, एस लिख देगा, मैनी थीव्स होना चाहिए, तो प्लूरल उसका गलत लिख देगा, थीव्स कर देगा। ऐसे ही अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यदि एफ या एफ ई से पहले एक ही जाति का कोई डबल वोवेल आ जाए, एक ही जाति का कोई डबल वोवेल आ जाए, तो फिर हम एफ या एफ ई को वी में नहीं बदलते, डायरेक्ट उसके साथ एस जोड़ देते हैं। जैसे रूफ है, हमने देखा इसमें एफ आया है लेकिन एफ से पहले डबल वोवेल है। अब भाई डबल वोवेल देखो, यहां भी था, थीप में भी डबल वोवेल था, आई ई ये भी डबल है लेकिन एक ही जाति के नहीं है, लेकिन रूफ में एफ से पहले डबल ओ है, एक ही जाति का है। प्रूफ में एफ से पहले डबल ओ है, एक ही जाति का है, इसलिए इस एफ को हम बी में नहीं बदलेंगे, इन दोनों में हम एस लगा देंगे। इस तरह से हम इनके बहुवचन बनाते हैं। अब पांचवी बात आती है, पांचवें नंबर पर है, देखिए ध्यान दें, कुछ शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा जबकि एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिशन में इनके साथ बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। कौन कौन से शब्द हैं, इनको हमें हमेशा ध्यान रखना है, एडवाइस है, सीनरी है, पोएट्री है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, प्रोग्रेस है, मशीनरी है, ऑफस्प्रिंग है, मिस्चीफ है, लगेज है, नॉलेज है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, न्यूज, इन सब के साथ कभी भी बहुवचन की क्रिया नहीं लगती, हमेशा इनके साथ एकवचन की क्रिया लगती है। अर्थात इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, आर नहीं एम नहीं, तो एकवचन की क्रिया लगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल से देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, लेकिन यहां क्या लगा देता है एग्जाम में, आर वेरी चार्मिंग। हम जानते हैं कि भाई सीनरी के साथ तो क्या लगता है, एक वचन की क्रिया लगती है। ऐसे ही मैथमेटिक्स को देखिए, इसके बाद में एस जरूर लगा हुआ है लेकिन इसके साथ में एक वचन की क्रिया लगेगी। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स कोई आसान विषय नहीं है। इसी तरह से नंबर सिक्स पर आइए, देखिए कुछ शब्दों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगेगी लेकिन एग्जामिनेशन में इन शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। कैसे, जैसे रिचीज है, पेन्स, थैंक्स, सीरीज है, श्रृंखला, एनाल्स हिस्ट्री को कहते हैं, इतिहास को, जेंट्री कैटिल जानवर, मैनकाइंड मानव जाति, फोल्क लोक, पोलिट्री है, वर्मिन अनाज का कीड़ा होता है, टिनांट्री किराएदार होता है, टाइडिंग्स ब्रीचिज, पीपल सराउंडिंग्स एक्सेट्रा, ये सारे शब्द हैं, इन सभी के साथ में हमेशा प्लूरल की क्रिया लगती है। जैसे एग्जांपल में देखें, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जानवर मैदान में चर रहे हैं, तो यहां पर लिखेगा द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, या कभी कभी कैटल में एस भी जोड़ देता है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम जानते हैं कि कैटल तो कैटल ही रहता है, उसका बहुवचन एस जोड़कर नहीं बनता। ऐसे ही द सराउंडिंग्स, ये वर्ड इज है इसमें एस, सराउंडिंग्स है ये, सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों दिशाएं। अगर मैंने कहा द सराउंडिंग्स ऑफ दिस कॉलेज आर प्लेजेंट, इस कॉलेज की सराउंडिंग्स बड़ी प्लेजेंट है, सुहावनी है, इसका मतलब चारों ओर का वातावरण, चारों दिशाएं आ जाती है सराउंडिंग्स में, तो हमेशा इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। सातवां नंबर, सातवें नंबर पे हम देखते हैं कि सातवें नंबर में दिया, जिस वस्तु के दो भाग होते हैं, जिस वस्तु के दो भाग होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी, यदि दो भागों से जुड़कर वो बनी है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखिए सीजर्स है, कैंची, स्पेक्टेकल्स है, चश्मा, स्केल्स है, तराजू, क्योंकि तराजू के भी दो पलड़े होते हैं, ट्राउजर्स है, पायजामा, टोंग्स चिमटा होता है, पेंटालूम्स होता है, शॉर्ट्स है, निक्कर को कहते हैं, सॉक्स जुराबे होती है, ड्रावर्स दराज होते हैं। तो इनमें जो है ये दो ऐसे शब्द हैं जो दो पार्ट से बने हैं, तो सभी के साथ में हमेशा
प्लुरल प्रयोग होगा, जैसे कि हिज सीजर्स आर शार्प, उसकी कैची तेज है। लेकिन एग्जामिनेशन में यहां पर क्योंकि कैची एक होती है इसलिए यहां पर इज लगा देगा। यदि यही मैं सेंटेंस आपको करेक्शन के लिए दूं कि इसमें क्या गलती है, तो आप कहेंगे कि सर कैची के साथ में आर लगा दिया आपने, लेकिन यहां पर आर ही लगेगा। ऐसे ही माय ट्राउजर्स आर शॉर्ट, यदि एक ही है पायजामा एक है, लेकिन तब भी हमने उसके साथ क्या लगाया, आर लगाया। आठवें नंबर पर देखते हैं, संख्या बताने वाले शब्दों में एस नहीं आता। यदि संख्यावाचक शब्द पहले आ जाता है, यदि उस शब्द से पहले संख्यावाचक शब्द आ गया तो उसमें एस कभी नहीं जुड़ेगा। मैंने देखा है बहुत लोग गलतियां करते हैं, जब बैंक का चेक भी भरते हैं अगर उन्हें 2000 रुपीज निकालने हैं तो 2 लगा हुआ है तब भी थाउजेंड्स करते हैं, उसमें एस लगाते हैं, लेकिन एस नहीं लगाना चाहिए। ऐसे जैसे कि 100 है, 1000 है, डजन है, स्कोर है, तो इन शब्दों के साथ में कभी भी एस नहीं लगेगा यदि इन शब्दों से पहले कोई संख्यावाचक शब्द दिया हुआ होगा, 2, 3, 4 कुछ भी दिया हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, यदि संख्यावाचक शब्द नहीं आता तो इन शब्दों में एस लगाएंगे तब लगा सकते हैं एस, लेकिन उसके बाद ऑफ जरूर रहेगा। कैसे, दो एग्जांपल देख लें। पहला एग्जांपल है आई बोट 2 dozens apples, तो यहां पर 2 आ गया और डजन में एस नहीं लगा। उसके बाद मैंने कहा सी हैज dozens ऑफ पेंसिल्स, उसके पास दर्जनों पेंसिल हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां संख्यावाचक शब्द नहीं है तो एस लगा के ऑफ लगा दिया। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। नंबर 9 पर देखते हैं, कुछ बीमारी और खेलों के नाम का प्रयोग एक वचन की भांति होता है। बहुत ही लिमिटेड और सिलेक्टेड वर्ड है, कुछ बीमारी है और कुछ खेल है, जैसे मिसेल्स होता है खसरा, मम्स होता है कंठमाला गले का रोग होता है, रिकेट्स सूखा रोग होता है, ये 3 रोग हैं, 3 बीमारियां हैं, इनमें हमेशा एस आएगा बाद में। और ऐसे ही कुछ खेल भी हैं जैसे कि बिलियर्ड्स है और जिम्नास्टिक्स है, ड्रॉट्स है, तो इनके साथ में पहले से ही एस लगा हुआ है, जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो एक वचन की भांति इनका प्रयोग होगा, अर्थात इनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया लगेगी, अर्थात जिम्नास्टिक्स इज, मिसल्स इज, रिकेट्स इज, तो हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। नंबर 10 पर आइए, ये हम बहुत गलतियां करते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, चाहे हमने कितनी भी इंग्लिश सीख ली, लेकिन यदि ये चीजें हमारी बिल्कुल ये बेसिक हमारा क्लियर नहीं है तब हम बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। नाप तोल दूरी मात्रा, 4 बातें मैंने कही, नाप तोल दूरी मात्रा दिखाने के लिए प्लुरल नाउंस के साथ सिंगुलर की क्रिया लगेगी, सिंगुलर की क्रिया लगती है, जबकि देखने में शब्द कैसा होगा, प्लुरल होगा। जैसे 2 miles इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 2 मील की दूरी अधिक दूरी नहीं है, या 2 मील बहुत लंबी दूरी नहीं है, तो यहां पर मैंने इज लगाया जबकि हम माइल्स आ गए। ऐसे ही 100 rupees इज ए बिग सम, इसके साथ भी 100 rupees है लेकिन इज ए बिग सम, बड़ी अमाउंट नहीं है। तो आगे देखते हैं 11 नंबर पर, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउंस, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं अंग्रेजी में, अमूर्त होते हैं, और कुछ होते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, अमूर्त और पदार्थवाचक संज्ञा, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इनका प्रयोग होगा। ये वर्ड होते हैं, याद रखिए, कोपर है, कोपर्स कभी नहीं होता, सिंपैथीज नहीं होता, सिंपैथी रहता है, मिल्क्स नहीं होता, राइसिस नहीं होता, वाटर्स नहीं होता, एंगर्स नहीं होता, होप्स, काइंडनेसेस, लव्स, गोल्ड, सिल्वर, इनमें कभी एस नहीं आएगा, ठीक, जबकि हम इनका नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे लव में तो याद करना भी है एस आएगा, तो लव वहां पर वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब लव नाउन भी है और लव एक वर्ब भी है। नंबर 12 पर आते हैं, कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लुरल में सेम रहते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सेम रहेंगे, सिंगुलर में भी वही रहेगा, प्लुरल में भी वही रहेगा। ये वर्ड कौन से होते हैं, हेयर बाल होते हैं, फिश मछली है, पुअर रिच, डियर हिरन होता है, सीप भेड़ होती है, और स्विन सुअर होता है। तो इस टाइप से जो है इन शब्दों में हम एक वचन और बहुवचन में इनको सेम रखेंगे। कैसे, जैसे द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड,
यानी इनके साथ में ये प्लूरल में भी सेम रहेंगे, सिंगुलर में भी सेम रहेंगे। यहां पर मैंने इस एग्जांपल से क्लियर किया है, ध्यान रखें। देखिए द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने यहां पर इस लगा दिया। अगले सेंटेंस में द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वहां मैंने आर लगा दिया। यहां का मतलब हुआ कि एक भेड़ और वहां बहुत सारी भेड़े हो गया, वहां आर लग गया। इस टाइप से हमें 12वां नंबर हमारा क्लियर होता है। अब देखते हैं नंबर 13 आता है, 13वें नंबर पर आता है सभी सजीव के साथ, जो भी सजीव नाउन होते हैं जिनमें लाइफ होता है, सभी सजीव नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। केवल सजीव नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई ड्रिंक काउज मिल्क, हमने काउ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया, गाय का, मैं गाय का दूध पीता हूं, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा, क्योंकि काउ जो है वो क्या है, सजीव है। उसके बाद एक बात का ध्यान रखना है, यदि वो वर्ड जो सजीव है, सजीव नाउन है, यदि पहले से ही उसमें एस लगा हुआ हो तो हमेशा याद रखना है तब हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, खाली उसमें अपोस्ट्रोफी लगा देते। जैसे दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, यह लड़कियों का हॉस्टल है, तो हमने इसमें देखिए पहले देख लिया लड़कियों का, तो यहां पर गर्ल्स पहले से ही आया हुआ है। अब यहां हम केवल एस लगाएंगे, केवल यहां पर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। ये बात ध्यान रखने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 14 नंबर पर आता है, 14वां नंबर है, ये तीन वर्ड दे रहा हूं। देखिए तीन वर्ड होते हैं टाइम, स्पेस और वेट, इनको प्रकट करने के लिए, इनको प्रकट करने के लिए भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जो कि सजीव के साथ नहीं बल्कि अन्य शब्दों के साथ भी किया जा सकता है। कैसे किया जाता है देखिए, आई एम गोइंग टू कानपुर फॉर 5 डेज जर्नी, यहां पर मैंने डे के साथ, जबकि ऊपर बताया कि केवल सजीव के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आता है, लेकिन टाइम स्पेस और वेट के साथ में जहां हम ये चीज प्रकट कर रहे हैं वहां पर हम देखिए डे के साथ भी क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं। आई एम गोइंग टू कानपुर फॉर 5 डेज जर्नी, मैं 5 दिन की यात्रा के लिए कानपुर जा रहा हूं, 5 दिन की यात्रा, का के की यहां पर ये आ गया। उसके बाद देखिए 15वां सेंटेंस, जिन नाउन्स के अंत में सीई हो या एस हो और साथ में सेक भी दिया हुआ हो, बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे फॉर गॉड सेक, फॉर कंसाइज सेक, फॉर गुडनेस सेक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उनमें यह ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के बाद में सीई हो और एस हो तो और साथ में सेक दिया हुआ हो तो वहां पर कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता, केवल कोमा आता है, अपोस्ट्रोफी कोमा जो हमारा होता है ये लगता है। फॉर कंसाइंस यहां हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया सेक, फॉर गुडनेस यहां पर भी हमने अपोस्ट्रोफी लगाया लेकिन एस नहीं लगाया, लेकिन एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में इन शब्दों के साथ में एस जरूर लगाता है, अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएगा, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपने पढ़ लिया है तो उसको करेक्ट करेंगे। 16वां नंबर देखिए, एक वाक्य में साथ साथ दो बार एस नहीं लगाते, यानी अपोस्ट्रोफी एस दूसरे बार भी लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता। पहली बात बताई सजीव के साथ आएगा और एक बार आएगा। जैसे देखिए 16वें सेंटेंस में मैंने ये बात कही तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान दें, माय फ्रेंड बर्दर्स साइकिल हैज बीन स्टोलन, मेरे मित्र के भाई की साइकिल चोरी हो गई है, तो यहां पर एस लगा, यहां पर भी एस लगा, दो बार साथ साथ लगा, लेकिन ये नियम नहीं है ग्रामर का, दो बार कभी ऐसे साथ साथ नहीं लगेगा। और यहां पर हम कैसे बनाएंगे, द साइकिल ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे मित्र के भाई की साइकिल हैज बीन स्टोलन, इस टाइप से लिखेंगे। और इसमें क्या क्या देखिए, एक बार अपोस्ट्रोफी ऐसा है तो दिस इज द रूल वी हैव टू फॉलो, ये हमने फॉलो करना है। उसके बाद 17 नंबर पर, यदि दो व्यक्तियों के दोनों वस्तुएं, जो भी उनके पार्ट्स होते हैं उनकी वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति दो होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं दोनों के, तो
ऐसे प्लेसेस पर भी दोनों के साथ में एस आएगा। कैसे? जैसे मैं कहना चाहता हूं कि कीट्स एंड सैलीज पोएम्स आर वेरी रोमांटिक। यहां कीट भी अलग है, जॉन कीट्स पोएट, पी बी शैले अलग है, और पोएम्स आर वेरी रोमांटिक। तो यहां पर मैंने क्या किया, देखिए कीट्स, यहां पर कीट में भी एस लगा दिया, सैले में भी एस अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। कीट्स एंड सैलीज पोएम्स आर वेरी रोमांटिक, क्योंकि ये दोनों पोएट अलग अलग हैं और इनकी पोएम भी अलग अलग है, इसलिए यहां पर लगाया जा सकता है। 18वें नंबर पर देखेंगे, निर्जीव वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कदापि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं, बाली जी बुक है, बुक्स पेज, किताब के पेज, ऐसे नहीं चलेगा। बेजानदार वस्तुओं के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल देखिएगा, माई रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेन, मेरे घर की छत वर्षा में लीक होती है, टपकती है, पूरी तरह टपकती है। तो यहां पर रूम्स रूफ नहीं होना चाहिए, द रूफ ऑफ माई रूम होना चाहिए, द रूफ ऑफ माई हाउस या द रूफ ऑफ माई रूम लीक्स बैडली इन द रेन, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। इस टाइप से हमने उसको बनाना है, क्योंकि ये पहले बता दिया कि निर्जीव वस्तुओं के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। उसके बाद रूल नंबर 19 देखें, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि मैंने कहा था कि जिन शब्दों के अंत में एक्स होता है उनके प्लुरल बनाते समय सभी में क्या जुड़ता है, ई एस जुड़ता है, छोड़कर इंग्लिश में केवल ओक्स को, ओक्स का बहुवचन हमेशा ऑक्सन बनता है, ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है, तो वहां पर ऑक्सिस लिख देता है, ऑक्सिस नहीं बनेगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है। मैंने ये बात बताई कि जिन शब्दों के अंत में ओ होता है सभी के बहुवचन बनाते समय उनमें ई एस जुड़ जाता है, लिखवाया था पहले नंबर पर जहां ई एस जुड़ता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, बंबू है, इसका बंबूज बनेगा एस लगेगा, पोर्टफोलियो में भी एस लगेगा, फोटो पी एच ओ टी ओ फोटो है तो इसमें भी ओ लगेगा और एस लगेगा, यहां पर फोटोज हो जाएगा। इस टाइप से हम ये लीजिए, यहां पर ये एस ऐसे आएगा, फोटोज एक्सेट्रा, ऐसे हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, उसका भी हमने इसमें ध्यान रखा है। और ये हमने नाउन टॉपिक पढ़ा है जिसमें कि कंप्लीट हमने सीखा है कि नाउन का प्रयोग, जो नाउन वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग कैसे कैसे होता है और उनके साथ कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, किसके साथ सिंगुलर यूज होगा, किसके साथ प्लुरल यूज होगा, इसी टाइप से हम इनका यूज करते हैं। इसी के साथ ये नाउन टॉपिक तुम्हारा समाप्त होता है, और जिसने हमारे इस ज्ञान की शक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर में जो भी ग्रामर से रिलेटेड दूसरी वीडियो होंगी वो उनको नियमित रूप से मिल पाएंगी।